वही पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया की पत्नी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे का बुधवार को निधन हो गया। वे 76 वर्ष की थी। आज उनकी पार्थिव देह दिल्ली से ग्वालियर गई। अब उनका पार्थिव शरीर रानी महल में अंतिम दर्शन के लिए रख दिया गया है। शाम 5 बजे सिंधिया छतरी पर उनका राजसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। माधवी राजे के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। वहीं आज 3 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के कई मंत्री और नेता अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रात तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आना तय हो गया था। साथ ही नेपाल, वडोदरा और जम्मू के राजघराने के सदस्य भी ग्वालियर पहुंचेंगे।